हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग हमारी आंखें हैं। इन आंखों से ही हम संसार की सुंदरता का आनंद ले पाते हैं। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, हमारी आंखों की रोशनी कम होती जाती है, जिसका मुख्य कारण मोतियाबिंद यानी कैटरेक्ट है। भारत में प्रतिवर्ष 20% लोग मोतियाबिंद की बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। इन मरीजों में ज्यादातर गरीब किसान और मजदूर व्यक्ति होते हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति काफी कमजोर होती है। धन के अभाव में ये लोग समय रहते अपना इलाज नहीं करा पाते और धीरे धीरे अंधत्व का शिकार हो जाते हैं। इस अंधत्व के निवारण की दिशा में सबसे बड़ी शुरुआत केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जिला मुरैना से की। मुरैना जिला मध्य प्रदेश राज्य में चंबल नदी के किनारे बसा है। लगभग 23 लाख की आबादी वाले मुरैना जिले की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है। यहाँ का गरीब किसान 50 से अधिक उम्र में पहुँचते ही मोतियाबिंद की समस्या से पीड़ित हो जाता है। उचित इलाज न मिलने के कारण ये गरीब लोग अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं। इन गरीब असहाय किसानों की पीड़ा को समझा जिले के सांसद व केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने विश्व की सबसे बड़ी सहकारी संस्था इफको के प्रबंध निदेशक डॉक्टर यूएस अवस्थी के साथ मिलकर मुरैना जिले को अंधत्व से मुक्त कराने का संकल्प लिया। इफको देश में कृषि निवेश और खेती संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने के साथ साथ किसानों के स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए भी प्रतिबद्ध है। इस संकल्प की पूर्ति हेतु इफको द्वारा जिले में लगातार 3 वर्षों से विशाल निशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। प्रति वर्ष कम से कम 10 लाख कृषकों को हम लाभ पहुंचाते हैं अपने कार्यक्रमों के माध्यम से, और अभी तक कुल मिलाकर के 1993 से अब तक 3 करोड़ से अधिक कृषकों को हम लाभ पहुंचा चुके हैं, ऐसा हमारी संस्था की प्राथमिकता है। इसी क्रम में श्री नरेंद्र सिंह तोमर के मार्गदर्शन में 6 मार्च 2022 से 4 दिवसीय निशुल्क नेत्र परीक्षण एवं मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर का आयोजन किया गया। हमारे मुरैना जिले में आई कैंप इफको के सहयोग से लगाया जा रहा है। पूरे जिले में हर विकास खंड स्तर पर ओपीडी हो रही है, और जो लोग ऑपरेशन के लिए उपयुक्त हैं उनको जिला अस्पताल में लाया जा रहा है, यहाँ उनका निशुल्क ऑपरेशन किया जा रहा है। आपको ध्यान में है कि पिछले बार हम लोगों ने तय किया था कि कोई भी गरीब परिवार ऐसा नहीं रहना चाहिए जिसका पैसे के कारण ऑपरेशन नहीं हो पाया है। ऐसे सभी लोगों का चयन किया था, तो पिछले बार भी 1000 से ज़्यादा ऑपरेशन हुए थे और मुझे लगता है इस बार भी 1000 से ज़्यादा ही ऑपरेशन होंगे। बीच में कोरोना आ गया था, इसके कारण हम लोग बीच में नहीं कर पाए, उसके कारण हम लोगों को निश्चित रूप से मन में तकलीफ भी रही। इसलिए जैसे कोरोना से मुक्त हुए तत्काल फिर आई कैंप का आयोजन किया गया, और अगले वर्ष भी हम लोग इसी प्रकार के कैंप का आयोजन करेंगे, जिससे कि कोई भी गरीब आदमी ऐसा नहीं रहना चाहिए जिसको आंख से कम दिख रहा है और पैसे के अभाव में वो अपना ऑपरेशन नहीं करा। शिविर के प्रारंभ में जिले के सभी तहसील और ब्लॉक स्तर पर मरीजों का नेत्र परीक्षण किया गया। ब्लड की जांच हो गई और डॉक्टर साहब ने देख लिया इधर, अब ये डॉक्टर साहब भर्ती का पर्चा बनाएंगे, मोतियाबिंद बताया है, ऑपरेशन होगा। इसके लिए जिले के सबलगढ़, कैलारस, बानमौर, रिठौरा कलां, जौरा, पहाड़गढ़, अम्बाह, पोरसा, औरेठी, खड़ियाहार आदि सामुदायिक चिकित्सा केंद्र पर क्रमशः 6, 7 व 8 मार्च को गरीब महिला एवं पुरुषों का नेत्र परीक्षण किया गया। इस पूरे आयोजन में जिला प्रशासन का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल रहा है। इफको के साथ में हम लोगों ने 13 जगहों पर, अलग अलग जगहों पर ओपीडी की व्यवस्था की है, जिसमें इफको के डॉक्टर्स और स्थानीय डॉक्टर्स भी साथ में रहे हैं। साथ में जो हमारे CO जनपद से और बाकी अधिकारीगण हैं, उन्होंने यहाँ पर प्रचार प्रसार करके जो भी
नेत्र शिविर के लिए पात्र व्यक्ति हैं उनको चिन्हांकन किया, उनको वहाँ पर बुलाया है और इफ्को के माध्यम से वहाँ पर व्यवस्थाएं भी की गई हैं, जैसे पानी की व्यवस्था हो, टेंट लगाना हो, और उनको यहाँ पर फ्री में भी बस के माध्यम से इफ्को के माध्यम से लाया गया है। और सबसे बड़ी बात इस पूरे अभियान की रही कि इसमें जो है सामाजिक संगठनों ने भी अपनी भरपूर भागीदारी निभाई। इस कार्यक्रम के प्रचार प्रसार में गांव-गांव तक लोग गए और इस काम को प्रचारित किया, और यहाँ तक कि कई वॉलंटियर्स थे जो कि यहाँ पर लगे रहे लोगों के फैसिलिटेट करने में, उनको सुविधाएं प्रदान करने में। तो एक बहुत ही अच्छा कार्य रहा। और इसमें जो है सभी लोग, जितने जो डॉक्टरों की टीम रही है, इसमें जिला प्रशासन की जो टीम रही है, पुलिस के भी जवान जो रहे हैं, जो जिन्होंने पूरी व्यवस्था को बनाए रखने में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। इन सभी स्थानों पर 7529 मरीज नेत्र जांच के लिए आए, जिनमें से 1257 मरीजों को मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए चिन्हित किया गया एवं शेष मरीजों का उपचार कर उनको आवश्यक दवा निशुल्क वितरित की गई। इसके साथ ही सभी सामुदायिक चिकित्सा केंद्रों पर ऑपरेशन के लिए चिन्हित मरीजों को बस द्वारा जिला मुख्यालय लाया गया, जहां पर मरीजों और उनके एक एक अटेंडर के रुकने और खाने की व्यवस्था भी इफ्को द्वारा की गई। हमारे मेहमान द्वारा के मुरैनी में कैंप लगने जा रहा है नरेंद्र सिंह तोमर साहब के नेतृत्व में, उनसे जानकारी मिली तो फिर हम ही आए, इनको एडमिट कराया, आंखों की जांच भी हुई, बीपी की, शुगर की, उसके उपरांत में भोजन की पैकेट भी मिली, पानी भी मिला, सारी सुविधाएं भी मिली। सुबह के नाश्ता भी देते हैं, दोपहर में खाना भी देते हैं और रहने की व्यवस्था भी अच्छी है, सोने के लिए बढ़िया कम्बल वम्बल की व्यवस्था इनकी तरफ से बहुत अच्छी है, और बार बार पर देखने भी आते हैं, डॉक्टर भी आ रहे हैं और दवाइयाँ भी डल रही हैं। इफ्को ने मोतियाबिंद के ऑपरेशन की व्यवस्था जिला प्रशासन के सहयोग से जिला चिकित्सालय में की, जहां कानपुर से आए डॉक्टर शरद वाजपेयी और उनकी टीम ने चिन्हित मरीजों का सफल ऑपरेशन किया। इस प्रकार 1257 चिन्हित मरीजों में से 1152 मरीजों का ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के पश्चात मरीजों को एक दिन के लिए चिकित्सीय जांच में रखा गया। इस दौरान इफ्को द्वारा सभी मरीजों को कंबल, बेडशीट व टॉवल की एक किट प्रदान की गई। जिस तकनीक से ऑपरेशन किए जाते हैं उसमें बिना टाके का ऑपरेशन होता है, मरीजों को उच्चतम क्वालिटी के लेंसेज का प्रयोग होता है, कोई चुभना गड़ना या ऐसी कोई समस्या नहीं रहती, अच्छी रुचि प्राप्त होती है, पर कुछ विशेष सावधानियां मरीजों को रखनी होगी। आफ्टर ऑपरेशन, ऑपरेशन के बाद जो है वो मुख्य रूप से एक इन्फेक्शन एक ऐसी समस्या होती है जिसके लिए हम सभी चिकित्सक चिंतित रहते हैं, क्योंकि हमने ऑपरेशन के बाद मरीजों को सफल रूप से भेज दिया है, लेकिन उसके बाद वो कैसे अपनी आंखों की केयर करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए एक विशेष बात मैं बताना चाहूँगा कि आंखों को छूना, बार बार आंखों को टच करना, पुरुष वर्ग है अंगोछे से या स्त्री वर्ग है अपनी साड़ी के कोने से बार बार आंखों को टच करना, वो उचित नहीं है। हल्का फुल्का पानी, हल्का फुल्का दर्द हो सकता है, क्योंकि जब कोई ऑपरेशन होता है उसके घाव को भरने में लगभग हफ्ते 10 दिन 15 दिन लग जाते हैं, तो अगर कोई समस्या है तो उसके लिए हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आकर दिखा सकते हैं, लेकिन बार बार आँखों को छूना उचित नहीं है। उसकी आँखों कैसे सुरक्षा करनी उसके लिए बताया जाएगा और एक निश्चित दिनांक दी जाएगी जिस पर आपके क्षेत्र में आकर के ही पेशेंट्स का फॉलोअप किया जाएगा और उनको चश्मे वितरित किए जाएंगे। जांच के पश्चात इफ्को ने कैंप के सभी मरीजों को बस द्वारा उनके घर वापस भेज दिया। सभी मरीज अपने सांसद, केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर को दुआएं देते हुए खुशी खुशी अपने घर चले गए। इस जिले के विभिन्न 12 स्वास्थ्य केंद्रों से ग्रामीण क्षेत्र के किसानों को, महिलाओं को उनकी वहां पे जांच करके मुरैना सिविल हॉस्पिटल के अंदर जहाँ उनके रजिस्ट्रेशन करवा कर उनका आंखों का जो ऑपरेशन है वो करवाया गया। तो कुल मिलाकर इसके अंदर 7600 से ज़्यादा मरीजों की ओपीडी हुई, जिसमें उनकी जांच की गई और उसमें से 1250 मरीजों को चिन्हित कर ऑपरेशन के लिए यहाँ मुरैना हॉस्पिटल के अंदर लाया गया, और जहाँ इनका बहुत ही अच्छी तरीके से उनके रहने की, खाने की जो व्यवस्था है वो इसको संस्था द्वारा की गई, और ऑपरेशन के बाद सभी रोगियों को जांच के बाद उनको अच्छी दवाई देकर सभी को उनके गंतव्य स्थल पर भेजा गया।
इफको द्वारा इन सभी मरीजों की आंख की जांच आगामी 2 माह तक कराई जाएगी और सभी मरीजों को इफको द्वारा नजर के चश्मे भी मुफ्त प्रदान किए जाएंगे।